आजमगढ़ जिसमें 2017 के पहले पहचान का संकट था, आजमगढ़ का नौजवान 2017 के पहले देश के अंदर कहीं चले जाए तो भाइयों बहनों कोई किराए पर कमरे देने की बात तो दूर, नाम से ही लोग चिढ़ते थे, परहेज करते थे, लेकिन आज आजमगढ़ में आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ लखनऊ से जोड़ने का कार्य किया। आज आजमगढ़ का लखनऊ के साथ कनेक्टिविटी 17 के पहले 19 के पहले जिस आजमगढ़ को लखनऊ पहुंचने में 6 से 7 घंटे लगते थे, आज मात्र 2 से 2.5 घंटे में आजमगढ़ से हम लखनऊ पहुंच सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजमगढ़ वासियों को दी। भाइयों बहनों 17 के पहले कोई विकास की बात आजमगढ़ में नहीं सोचता था। आजमगढ़ का नाम कहीं बम विस्फोट में जरूर आ जाता था, आजमगढ़ का नाम किसी और ही विनाशकारी कार्यों में आता था, लेकिन आज आजमगढ़ विकास के लिए जाना जा रहा है। एक झटके में 4,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास अभी आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से यहां पर हुआ है। यह दिखाता है कि एक एक पाई आज विकास के लिए आपके लिए लग रहा है। कहीं पर हाईवे और सड़क के कार्य हो रहे हैं, कहीं पर पॉलिटेक्निक बन रहा है, कहीं डिग्री कॉलेज बन रहा है, कहीं पर इंटर कॉलेज बन रहा है, कहीं हर घर नल की योजना बन रही है, और जहां पर कल्याणकारी योजनाओं का कार्य हो तो भाइयों बहनों गरीब को मकान का मामला हो, शौचालय का मामला हो, विद्युत कनेक्शन का मामला हो, आयुष्मान भारत की योजना का मामला हो, और कोरोना कालखंड में तो उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई। फ्री में राशन आज भी मिल रहा है। याद करिए भारत की आबादी है 140 करोड़ और पिछले 3 वर्ष से मार्च 2020 से लगातार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री में डोजेज भारत के नागरिकों को उपलब्ध करवाई, और पाकिस्तान की आबादी है मात्र 22 करोड़, रोटी के लाले पड़ रहे हैं लोटी के लाले, यही अंतर है। अच्छा नेतृत्व होता है अपने नागरिकों के सुख और दुख में सहभागी बनने के साथ साथ उनके जीवन स्तर को उठाने, उनके विकास, उनकी समृद्धि, उनकी सुरक्षा का कार्य होता है। लेकिन जब स्वार्थी भेदभावकारी और भ्रष्ट नेतृत्व होता है तो पाकिस्तान की तरह भूख के लाले, रोटी के लाले लोगों के सामने पड़ते हैं, और यही स्थिति इससे पहले भारत के अंदर भी लोग करने के प्रयास किए थे।